हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बहन जी लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगी, किस तरीके से करेंगी, क्यों करेंगी, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का क्या वजह है। आज की इस वीडियो में बारी बारी से सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहन जी ने राजनीति के गुण माननीय कांशीराम साहब से सीखे हैं। वही माननीय कांशीराम साहब जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किताबों को इकट्ठा किया लेकिन मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए 6,743 जातियों में बिखरे हुए समाज को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार नीच अछूत दलित पिछड़ा न जाने किस किस नामों से पुकारा जाता था, उनको इकट्ठा करके उन्होंने बहुजन बना दिया। इस बिखरे हुए समाज को बहुजन बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह परम पूज्य मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब त्याग के मूर्त थे, उनसे बड़ा त्यागी इस भारत में कोई हो ही नहीं सकता है। उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति की कुर्सी पेश की थी कि आपको हम राष्ट्रपति बना देते हैं, उस कुर्सी को उन्होंने लात मार दिया था यह कहते हुए कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। वह अपनी जुबान के इतने पक्के थे कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो उन्होंने 24 पन्ने का एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, मैं आजीवन घर वापस नहीं आऊंगा। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। कांशीराम साहब ने जो कहा उसे करके दिखा दिया। 18 वर्षों बाद माननीय कांशीराम साहब की माँ से उनकी मुलाकात हुई। माँ ने उनको घर बुलाया, फिर भी माननीय कांशीराम साहब अपने घर नहीं गए। उनके बहन की भी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी माननीय कांशीराम साहब अपने घर वापस नहीं गए। माननीय कांशीराम साहब के पिताजी की भी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु हो जाने के बावजूद भी माननीय कांशीराम साहब ने शपथ खाया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी घर वापस नहीं गए। इसलिए माननीय कांशीराम जैसा त्यागी, माननीय कांशीराम साहब जैसा मसीहा कोई पैदा ही नहीं हुआ, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्त्र जीवन इस बहुजन समाज के लिए नौछावर कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कहा था कि दलितों का उद्धार हिंदू धर्म में संभव ही नहीं है क्योंकि इस धर्म की बुनियाद जातिवाद पर टिकी हुई है। जातिवाद भी ऐसा कि ऊंच नीच छुआ छूत के ऐसे मकड़ जाल को बुना गया है कि उसमें दलित समाज बाहर निकल ही नहीं सकता है। न तो इस मकड़ जाल से दलित बाहर निकल सकता है, न ही पिछड़ा वर्ग बाहर निकल सकता है। अगर इससे बहुजनों को बाहर निकलना है, इस देश के मूल निवासियों को बाहर निकलना है तो उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करना होगा। और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। माननीय कांशीराम साहब ने 30 मार्च 2000 को नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा और लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। माननीय कांशीराम साहब अच्छी तरह से जानते थे बहुजन समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने मूल धर्म की पहचान न करके अज्ञानतावश अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक संप्रदायों में बटे हुए हैं। माननीय कांशीराम साहब ने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा था, केवल शासकों का धर्म फलता और फूलता है, उन्हीं के धर्म का प्रचार प्रसार होता है। महान सम्राट अशोक और हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म इसलिए प्रचार प्रसार हो पाया क्योंकि वो लोग शासक थे। सिर्फ शासकों का धर्म ही फल फूल सकता है। उनके कहने का मतलब ये था कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो वह 10 लाख लोग कहाँ चले गए? जरूर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अन्य धर्मों में वह लगे रहे, वह छोड़ नहीं पाए, इसलिए पूर्णतः वह लोग बौद्ध नहीं बन पाए। क्योंकि देश में मनुवादियों की सत्ता थी, इसलिए मनुवादियों ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने नहीं दिया, अपने तमाम षड्यंत्रों के आधार पर इस देश से बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। दोस्तों, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लोग आज सत्ता और शासन में बैठे हुए हैं, सिर्फ वह धर्म की बात करते हैं, ना कि विकास की बात करते हैं, ना कि रोजगार की बात करते हैं, तो माननीय कांशीराम साहब की कही हुई बात सिद्ध साबित हो रही है कि आज की जो सरकारें हैं सिर्फ धर्म पे जोर दी है, अपने धर्म को बढ़ाने पे जोर दे रही है, जगह जगह मंदिरों को बनवाने का कार्य कर रही है
अपने धार्मिक संगठनों को मजबूत करने का काम कर रही है। जिस दिन माननीय कांशीराम साहब प्रधानमंत्री बन गए होते, लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को निश्चित रूप से स्वीकार किए होते। माननीय कांशीराम साहब सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करना चाहते थे, वह चाहते थे कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो। जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, हम बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। माननीय कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, वह बना तो नहीं पाए। जो बीज उन्होंने छींट दिया, वह बीज आज फलने फूलने लगा है। आज के समय में जगह जगह पे आवाजें उठने लगी हैं कि हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि जगह जगह पे हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें से 80-90% लोग बौद्ध धर्म के नियमों और कानूनों का पालन करते हैं। यह वो लोग हैं जो माननीय कांशीराम साहब के कैडर की देन है। दोस्तों, माननीय कांशीराम साहब के दुनिया से चले जाने के बाद बहुजन समाज ने एक अनमोल हीरा खो दिया, एक ऐसा हीरा खो दिया जो शायद सदियों तक वैसा हीरा पैदा ही न हो। लेकिन जो उनका सपना था बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का, भारत को बौद्धमय बनाने का, इसकी जिम्मेदारी उनके अनुयायियों की थी। तो दोस्तों, चाहे हम हों या आप हों, हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब के अनुयायी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बौद्ध धर्म के नियमों और कानूनों को, बौद्ध धर्म के आचरण को, बौद्ध धर्म के पंचशील और तीसरण को घर घर पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारे बौद्ध धर्म के स्वीकार कर लेने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी माननीय कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने ही माननीय कांशीराम साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तो माननीय कांशीराम साहब का सपना था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद इस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। सम्मानित साथियों, आज भी बहन जी को देखा जाता है, वह जितने भी संस्कार कराती हैं, सभी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कराती हैं। जो भी वह कार्य करती हैं, वह बौद्ध धर्म के अनुसार ही करती हैं। कभी भी उनको मनुवाद का पालन करते हुए नहीं देखा जाता है। तो निश्चित रूप से जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो उनका अगला टारगेट होगा इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को, इस देश को बौद्धमय भारत बनाना। कुछ लोग माननीय बहन जी के ऊपर तमाम प्रकार के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन हमको समझने की जरूरत है, राजनीति एक अलग चीज होती है और सामाजिक परिवर्तन एक अलग चीज होता है। राजनीति में बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी और आपकी समझ से परे होता है। उसका नाम ही ऐसा है, राजनीति। राजनीति का मतलब ही यही है कि राज इस तरीके से किया जाए कि नीति बनाई जाए, और नीति ऐसी बनाई जाए जिससे राज किया जा सके। जब तक हम इस मूल मंत्र को नहीं समझेंगे, जब तक हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यकीन मानिए हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।